हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय ट्रिक्स वीडियो में आपका स्वागत है और मेरा नाम है रामबाबू कुमार। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। दोस्तों, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तो कैसे बनाइएगा वही आज मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, बताने से पहले एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाए, वहाँ पर आपको एक रेड बटन मिलेगा, उस पर टच करके सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी टच कर दें। इससे यह होगा कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र कैसे बनाइएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें अपने मोबाइल में सबसे पहले क्रोम में जाना होगा। तो चलिए हम क्रोम में चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा गूगल क्रोम ओपन हो चुका है, तो इसमें हम लिख देंगे RTPS। दोस्तों, RTPS लिखकर हम सर्च कर देंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार का नहीं है, किसी और ज़िले का है या किसी और स्टेट का है तो आपको वहाँ पे लिखना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, या आप अपने ब्लॉक से भी जाके वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। आप अपने ब्लॉक में जाके पूछ सकते हैं कि किस वेबसाइट से आपका ऑनलाइन जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनेगा। तो दोस्तों, अब हमें बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस आप देख रहे हैं इसमें हमको जाना है। तो चलिए हम इस पर टच कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस तरह से एक नया पेज खुलेगा। तो करना क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो हमें इसी पर टच करना है। उस पर टच करने के बाद दोस्तों, इस तरह से एक नया इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं सहमत हूँ, आई एग्री, तो हमें इसी पर टच करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं ब्लॉक और प्रखंड है, तो हमें इस पे ऊपर वाले पे टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों, फिर से एक नया पेज आएगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे नाम लिखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उसके बाद आप यहां से जाति आवासीय आय कुछ भी सिलेक्ट करके बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम जाति प्रमाण पत्र बना के देख लेते हैं और इसमें नाम भर देते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हमें इस नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना है। तो यहां पे हम पहले इंग्लिश में लिखे, उसके बाद हिंदी में लिखे। अब यहां पे हम मोबाइल नंबर दे देते हैं जिस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो चलिए हम ये वाला नंबर यहां पे दे दिए। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट, आपको इस पर टिक नहीं लगाना है। दोस्तों, आप यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करें, तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मोबाइल पे एक कोड आ गया है 6678। तो चलिए हम इस कोड को इसमें डाल देते हैं 6678, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई कोड लिखा हुआ है, तो चलिए इसमें हम टच कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिता या पति का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी में भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर एंड हस्बैंड नेम इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको परमंडल जिला अनुमंडल प्रखंड ग्राम और वार्ड संख्या पोस्ट थाना व्यवसाय वर्ग उपजाति इस तरह से आपको भरना है। तो थोड़ा हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और इसको भर लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में नाम दे दिया और यहाँ पे इंग्लिश में पिता का नाम दे दिया और यहाँ पे पुरुष ही रहने देते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर है और यहाँ पे परमंडल चयन करना है, तो हमें इस पर टच करना होगा। तो उस पर टच करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में यहाँ पर परमंडल का ऑप्शन आ चुका है। तो मेरा तिरहुत परमंडल है, तो हमें तिरहुत परमंडल पे टच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरहुत आ चुका है।
उसके बाद आपको जिला का चयन करना है, तो आपको जिला पे टच करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों साइड में आ जाता है, तो हम सीतामढ़ी जिला का है तो यहाँ पे सीतामढ़ी जिला सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अनुमंडल चयन करें, तो हम इस अनुमंडल पे टच करते हैं। चलिए इस अनुमंडल पे हम टच करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुमंडल पे टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका अनुमंडल हो उसको आप सेलेक्ट कर ले। तो चलिए इस सीतामढ़ी सदर मेरा अनुमंडल है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड, तो प्रखंड आपको चयन करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड पे टच करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा डुमरा प्रखंड है तो हम इस डुमरा प्रखंड को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप गांव यहाँ पे दे, आपका जो भी गांव हो वो गांव यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं गांव डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर दिया था ताकि आपका ज़्यादा समय न लगे, और यहाँ पे हम गांव भर दिए, यहाँ पे पंचायत वार्ड संख्या दे दिए, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट दे दिए, थाना दे दिए, यहाँ पे व्यवसाय दे दिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट दे दिए व्यवसाय में। उसके बाद वर्ग में जाति आपको चूज करना होगा, आप जिस जाति को आओ उसी जाति का आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए इस पर हम टच किए। तो दोस्तों हम वर्ग पे जब टच किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो हम नीचे वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जो जाति हो आप उसी पे सिलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों आप उपजाति में देख सकते हैं यहाँ पे उपजाति है, तो आपको इस पर भी टच करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से अपने जाति को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उस पर टच करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जाति का नाम आ चुका है। तो चलिए इसमें से जो जाति है वो जाति हम यहाँ पे चूज करके सेलेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखाई पड़े, और इसको ऊपर की तरफ खसकाते जाएंगे तो यहाँ पे आप जाति को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इसमें हम जाति सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नया पेज आ चुका है यहाँ पे, जिसमें आप पढ़ कर देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है। अगर गलत हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद अगर सही हो तो आप यहाँ पे मैं सहमत हूँ इस पर आपको टिक लगाना होगा, और टिक लगाने के बाद आपको सबमिट करना होगा। हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से प्रिंट करने के लिए एक नया पेज आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको प्रिंट कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 10 दिन कार्य दिवस है। 10 दिन के बाद दोस्तों आपको इसके साथ आधार कार्ड लगा के ब्लॉक में आपको जमा करना होगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद दोस्तों हमारे मोबाइल में ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो चुका है, मेरे मोबाइल में सेव हो चुका है। तो यहाँ पे सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि 21/4/2017 है, तो 21 तारीख को इसका प्रिंट करा के इसके साथ आधार कार्ड लगा के इसको ब्लॉक में जाके जमा कर देंगे। तो उसके बाद 10 दिन के बाद आपको बन के आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।